हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है एफडी कैलकुलेटर। ओके, तो आपको एफडी पता ही होगी, तो हम इसको कैलकुलेट करके सीखेंगे कि किस तरीके से जो है बैंक्स के अंदर आप सेविंग्स कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको कोई यूआई वगैरह नहीं दिखाऊंगा, हम सिंपली एक यूआई जनरेट करेंगे। बेसिक सी चीज़ें इनपुट करेंगे जिसके अंदर एक सम अमाउंट ऑफ अमाउंट होगी, एक इंटरेस्ट रेट होगा और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो भी है वो होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो तीन इनपुट्स होंगे, तीन इनपुट टैग। पहला जो इनपुट टैग होगा वो होगा कितनी अमाउंट हम लेंगे, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा और कितने साल के लिए हम उस अमाउंट को होल्ड करेंगे, और बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा मैच्योर अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब जितने भी अमाउंट हमें मिलेगी उसके बाद वो अमाउंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो है फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ विथ 03 लेट से एफडी कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं सिंपल से फाइल बनाता हूँ index.html एंड रॉ कोड। ओके, सो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एफडी कैलकुलेटर। ठीक है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइव सर्वर रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, अब मैं आपको कोड के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना। अब यहाँ पे सिंपल से डिज़ाइन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सो हमें ठीक ठाक से इनपुट्स लेना है, सो मैं यहाँ पे टिलवाइंड के अंदर, ठीक है, टिलवाइंड CSS इनपुट्स एंड आपको थोड़ी बहुत सी डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो आपको जो पसंद आती है वो डिज़ाइन आप या इनपुट टैग के लिए ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये थोड़ी सी सही डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली जो डिज़ाइन है ये वाली इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं एक डिविजन टैग ले लेता हूँ जिसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हम लोग चीज़ें काम करेंगे। इसके अंदर मैं एक एडिंग टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा एफडी कैलकुलेटर कैलकुलेटर एंड उसके बाद जो है मैं ये चीज़ें लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और कैन से अमाउंट और कैन से अमाउंट। ओके, दैट्स इट। ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एंड यहाँ पे भी मैं लेता हूँ अमाउंट। ठीक है, राइट अमाउंट। ठीक है, सेव कर लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल बॉडी को हमें सेंटर में लेके आना है। सो यहाँ पे जो हमने स्टॉपवॉच के लिए यूज़ किया था इस तरीके से कि बिल्कुल सही तरीके से इसको सेंटर में लाने के लिए ये जो चीज़ है वो, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बिल्कुल से उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ एच स्क्रीन विथ ऑल्सो गोइंग फॉर द स्क्रीन फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल justify to be center and items to be center। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, गॉट इट। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो डिव टैग है इसको मैं नाम देता हूँ सेव कर लेते इस चीज़ को। ओके, आई थिंक मैं यहाँ पे जो है आपका टिलवाइंड CSS वर्क नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बेसिकली इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। ओके, एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये आई होप कि आपको दिख रहा है। अल्ट जेड दबाओगे तो ये आपको सारा का सारा कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये कर लेते हैं कि इसको पहले इसे टेलवान से इसको अप्लाई करेंगे, तो टेलवान से इसको अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है वो आपको डालनी पड़ेगी, तो ये तो हम पिछले दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डालते आए हैं। तो कंट्रोल सी एंड जस्ट पुट इट आफ्टर द टाइटल कंट्रोल एस एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ इस डिविजन टैग के अंदर जो कि ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीछी ग्रे लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम वाइट कलर भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा बीची ग्रेज 200 एंड उसके बाद बीची वाइट
पैडिंग 5, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम एंड देन दैट्स इट. ओके सो व्हाट आई विल डू इनसाइड द लेवल वी हैव टू गो फॉर द जस्ट कट डाउन दिस डार्क ओके कंट्रोल एस एंड यू विल सी द अमाउंट. ओके सो गॉट इट. अब FD कैलकुलेटर को बिल्कुल सेंटर में लेके आना है. तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि आप MX ऑटो कर सकते हो जिससे कि ये FD कैलकुलेटर दोनों में सेम मार्जिन लेगा, मतलब राइट एंड लेफ्ट को बिल्कुल सेंटर में लेके करिएगा ऑटो मार्जिन. ओके दैट्स इट. अब यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे वो है स्पेस. जैसे मैंने बताया था कि स्पेस एक्स एंड स्पेस वाई आपके बहुत ज़्यादा काम के लिए है, तो मैं स्पेस वाई 5 कर देता हूँ जिससे कि हर एक कंपोनेंट के बीच में थोड़ा सा गैप बना रहेगा. ठीक है. अब इसके अलावा जो यहाँ पे ओके वेट हाँ ओके इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड का जो ये कलर है उसको मैं हटा दूंगा. तो सिंपली जो जितने भी डार्क वाला जो एरिया है उसको आप कट कर लो. ठीक है. ये मैं कट कर लेता हूँ डार्क. ये जो डार्क टेक्स्ट वाइट है ये बिल्कुल कट कर लेता हूँ. डार्क फोकस ये जो है ये थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ एंड या ओके सेव कर लेते हैं. ओके अब देखो आप इस तरीके से वो दिख रहा है. तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा बैड दिख रहा है, ये थोड़ा बिल्कुल सही लेवल पे दिख भी रहा है. ठीक है. हमें बस अभी डिज़ाइन के ऊपर नहीं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है. सो मैं यहाँ पे इसे ऐसे रहने देता हूँ. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको राउंडेड वगैरह जो आपको बनाना है वो बना सकते हो राउंडेड एंड देन शेडो जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो तो जिससे कि कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा फील आए उस चीज़ के लिए एंड या FD कैलकुलेटर. ओके अब ये जो हमने बनाया वो बस एक बेसिक अमाउंट हमने ग्रैब कर लिया. इसके अलावा जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल विच इज़ 200. ओके सो दैट वी कैन जस्ट कंसिडर दैट कि यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी. ठीक है. दूसरा इनपुट जो हमें लेना है वो ये लेना है कि हमें यहाँ पे सिंपल एक इंटरेस्ट रेट लेना है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट. ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट. यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटरेस्ट. एग्जांपल इंटरेस्ट एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ इन परसेंटेज बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट इन परसेंटेज. ओके सो जितना भी आपका परसेंटेज इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो उस अमाउंट का कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको रिटर्न में मिल रहा है वो ये चीज़ डिफाइन कर रहा है. ठीक है. अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ओके सो ठीक है कोई बात नहीं. चलो ठीक है. ये कुछ अच्छे तरीके से तो दिख रहा है. ठीक है. इंटरेस्ट रेट मिल गया हमको. अब हमें थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि टेन्योर, मतलब कितने साल के लिए रखना है. तो मैं यहाँ पे सिंपली ईयर लिख देता हूँ इस चीज़ को. सो अगेन जस्ट कॉपी दिस थिंग पेस्ट इट हियर एंड जस्ट से यस. ओके फॉर यस एंड ID विल बी द यस. ओके गुड राइट. अब ये जो है ना ये हमें नंबर के फॉर्मेट में चाहिए. इसके अलावा ये जो टाइप है ना वो भी हमको नंबर फॉर्मेट के अंदर चाहिए. तो दोनों चीज़ें नंबर फॉर्मेट के अंदर आएगी. एंड द फोर्थ वन विच इज़ द लास्ट वन व्हाट वी कैन से इज़ कि हमें ओके लेट्स डिफाइन द विड्थ ऑफ इट. तो यहाँ पे ये थोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो मतलब यहाँ पे आप एक मिन विड्थ इज 500 pixels. ओह इट्स नॉट टू मच राइट. सो 300 pixels या इट्स फाइन. ओके सो मिनिमम विड्थ तो 300 pixels उसकी होनी ही चाहिए. ओके सो आफ्टर दैट हमें सिंपली एक बटन बनाना है जिससे आपको पता चल जाए. सो ओवर फाइव एग्जाम्पल लेते हैं यस. उसके बाद एक बटन. तो यहाँ पे मैं थोड़ा डीप टैग के बाहर आ लेता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बटन लिख सकते हो. सो बटन एंड यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेट. सो कैलक्यूलेट. ठीक है. ये हो गया. अब इसके अलावा क्लास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू बी चीज इक्वल्स टू ब्लू 300 एंड
what we can do, padding which is 5, great, round it, okay, shadow, this one, and इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सेव, ठीक है, okay, text will be white, okay, sorry, the text will be white, okay guys, great, right, ये बन चुका है, right, again, मैं calculate का spelling क्यों mistake कर रहा हूँ, calculate, okay, great, so I hope that it is going to be working fine, perfectly fine, right, okay, so हमारा UI तो बन चुका है, अब हम इसके functionality के ऊपर बात कर लेते हैं, तो functionality देखो कैसे होगी, यहाँ पे input tags है, तो input में जो भी amount है उनको लेना है, तो यहाँ पे जो event listener काम में लेना चाहेगा वो थोड़ा different होगा as compared to the other, तो हमें यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि जब मैं calculator के ऊपर क्लिक करूँ मुझे ये देखना है कि ये फील्ड होना चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक पी टाइप बना लेता हूँ जिसको मैं दूंगा एरर की एक आईडी, कि आईडी इज इक्वल्स टू दी एरर, उप्स, ठीक है, एरर, ताकि जब भी एरर आ जाए तो आई वांट टू शोकेस इट, राइट, तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो चीज़ है वो शोकेस हो जाएगी, और क्लास जो होगा वो होगा टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है, तो ये दिखाई देगा, फिर आप यू कैन जस्ट से रेड ऑल्सो, राइट, ओके, सेव इट, अभी के लिए तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वी कैन जस्ट से ओके, दैट्स फाइन, ओके, सो लेट्स गो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट बना लेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे मुझे सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस को ऐड करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हेड विथ बॉडी, सो script and yeah we are going to src.slash script.js and that's it, that it will work, okay, okay, अब सबसे पहले बात करते हैं कि input tags की, अभी हमें inputs को लेना है, तो हर एक input के पास हमें अलग अलग कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो what we can do is we can just go with you can say amount, so let's go with id amount, so const amount is equals to document dot get element by id and which is the name is amount, okay, great, const second thing which is interest, right, interest, what exactly the idea of interest, interest ki id kya hai, interest ki id hai interest, great, document dot get element by id which is interest, fourth which is years, so we will go for the years, const years is equals to document dot get element by id, I will say years, okay, तो ये तीनों variables अभी हमको मिल चुके हैं, right, अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम इसके ऊपर actions को perform करना है, ठीक है, तो simple सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पे इनके वैल्यूज ले लेते हैं, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से फंक्शन ऑन कैलकुलेट, ओके, फंक्शन ऑन कैलकुलेट विच इज दिस, सबसे पहले हम इनके वैल्यूज लेंगे इफ, और चेक करेंगे कि वैल्यूज है या नहीं, अमाउंट डॉट वैल्यू, ओके, सो हियर वी गो, दैट we can say directly just here that I want the value of it, so okay, wait, okay, let's go for this one, if amount dot value is equals to this, then what I can do, I can just say we have one more thing which is error, so const error is equals to document dot get element by id which is error, and यहाँ पे हम लोग error set करेंगे, ठीक है, so यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, error dot set
कैन से इनर टेक्स्ट, राइट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट इज मिसिंग. ओके सो लेट्स गो फॉर दिस वन एंड ट्राई दिस आउट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट कंसिडर दैट वी हैव कैलकुलेट बटन एज वेल. सो कॉस्ट कैलकुलेट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट 115 ID एंड वी कैन से कैलकुलेट. ओके सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे लिख देते हैं ID इज इक्वल्स टू द कैलकुलेट. ओके गाइस ग्रेट, सेव कर देते इस चीज़ को एंड यहाँ पे चलते हैं. आप यहाँ पे कैलकुलेट डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से ऑन कैलकुलेट, सेव इट. यहाँ पे क्लिक करते हैं, अमाउंट इज मिसिंग. ओके ग्रेट, सो वी गॉट दैट थिंग टू बी रेडी, राइट. ओके ग्रेट, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट से टेक्स्ट, ओह सो टेक्स्ट रेट विल बी 600 एंड एमएक्स ऑटो, ओप्स ऑटो, राइट, सेव इट एंड लेट्स कैलकुलेट दिस अमाउंट इज मिसिंग. ओके ग्रेट, इफ आई से द अमाउंट फोर, ओके सो लेट्स रिफ्रेश दिस वन मोर टाइम. ओके सो ऑप्स रिफ्रेश इट, इफ आई पुट द अमाउंट कैलकुलेट, ओह सो दैट देयर इज नो एरर. ओके बहुत बढ़िया, ठीक है. तो अब ये तो हो रहा है, अगर एरर है तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है. ओके ओके बिफोर दैट आई विल जस्ट पुट एरर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स लाइक दिस, ठीक है. देन इफ इंटरेस्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इफ वी कैन जस्ट से डायरेक्टली टू नॉट, या नॉट वैल्यू, then error dot inner text is equals to. अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें हर बार रिटर्न स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये नीचे 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 चला जा करके ये भी करेगा, ये भी करेगा अगेन, ठीक है. इंटरेस्ट इज मिसिंग एट द सेम थिंग विच इज गो फॉर द इफ, यस राइट. सो लेट्स गो फॉर यस डॉट वैल्यू, इफ इट इज नॉट then what we can do, we can just go for the error dot inner text which is yours are missing, or you can say invalid, this is invalid. Okay, if someone is putting a zero then it will also run. Okay, तो अगर कोई zero put कर रहा है ना तो ये उसको भी error showcase करेगा. So ये return हो गया. इसके बाद ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 4 ले लूँ, कैलकुलेट करूँ, इंटरेस्ट इज इनवैलिड. ओके ग्रेट, अगर मैं इंटरेस्ट को यहाँ पे 3 कर दूँ, यस इज़ इनवैलिड, ग्रेट. और अगर मैं यस को भी फिल कर दूँ तो नथिंग इज़ इनवैलिड. ओके ग्रेट, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है हमने क्या किया. यहाँ पे हमने बस एरर को सेट कर लिया कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो हमें उसका एरर चाहिए, एरर दिखाना है. अगर कोई चीज़ मिसिंग नहीं है तो हमें उसका एरर नहीं दिखाना, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, जो भी हम अगर हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लेता हूँ इस चीज़ को, आई डी इज इक्वल्स टू दी रिजल्ट. ओके आई डी जब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे चलते हैं. सेम थिंग गोज फॉर दी शिफ्ट, या सो एक्चुअली हाँ कभी कभी आप लिनक्स का यूज़ कर लेते हो तो आपको, मुझे विंडोज़ के शॉर्टकट्स थोड़े मालूम नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. तो रिजल्ट एंड देन अब यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट शोकेस करना है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉस्ट फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हमें जो है अपना जो वेट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा अमाउंट प्लस, अब अमाउंट प्लस करने के बाद हमें जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको
मैच्योर करना है, मतलब अब जो इंटरेस्ट रेट अमाउंट की कितना इंटरेस्ट रेट है वो देखना है, उसके बाद उसको कितने इयर्स के लिए देखना है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, सो इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो अमाउंट वगैरह लिख रहे हैं ना उसके अंदर हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, जो अमाउंट है, अमाउंट डॉट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कट डाउन कर लेते हैं और इसको पार्स कर लेते हैं फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारी अमाउंट जिसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल, ठीक है। वॉट एवर द अमाउंट इज, कि जिसको हमें देखना है कि 3 साल के बाद हमको कितना मिलेगा, 4 साल के बाद हमको कितना मिलेगा उससे, उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू पार्स फ्लोट एंड इंटरेस्ट, सॉरी, विच इज इंटरेस्ट डॉट वैल्यू। ओके गाइज, तो यहाँ पे तो मैंने कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो है वो है परसेंटेज, ओके, सॉरी ईयर्स है, तो ईयर्स कितने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर्स, सो ईयर, ठीक है, ईयर लिख देते हैं एंड पास फ्लोट इज इक्वल्स टू, ओके, ईयर्स डॉट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने लिया प्रिंसिपल, ओके, प्लस कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इसका डिवाइडेड बाय 100 चाहिए, मतलब मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे वो 4 लाख तो मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिकली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा विद हेल्प ऑफ योर इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट रेट यू आर, एंड उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब लेट्स से अमाउंट 4 लाख है ना, तो उसका 2% कितना होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूँगा प्रिंसिपल, ठीक है, ये मेरा अमाउंट है, कितना मिलेगा मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेट करूँ, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट। अब ये मुझे रिटर्न क्या करेगा कि भाई तुझे को कितना मिलेगा, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 100 से तो ये मुझे बता देगा कि 1 साल में तुझे इतना इंटरेस्ट रेट, मतलब इतनी वैल्यू मिलेगी 1 साल के अंदर, तुझे इतनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे चाहिए ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे लूँगा ईयर, ठीक है। मतलब अगर मैं 4 लाख रुपए ये कर रहा हूँ और 4% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो वैल्यू होगी लेट से 4 to 5 thousand, लेट्स कंसिडर दैट, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जानता, 4 to 5 thousand अगर आपको मिल रहा है तो वो 1 साल का है, लेकिन जितना अमाउंट मैं, मतलब कितने साल के लिए मैं अपनी FD होल्ड कर रहा हूँ, तो 5 साल के लिए, तो वो 4-5 thousand मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए, तब जाके जो वैल्यू मिलेगी वो ये रही, ओके, ठीक है गाइस। तो ये हमको एग्जैक्ट फिगर मिल गई, लेकिन अब हमें इसको शोकेस करना है। तो यहाँ पे शोकेस करना बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा, और यहाँ पे टिल्डे का साइन बोलते हैं शायद इसको, टिल्डे नहीं, इसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं शायद, ठीक है। अब इसके बाद योर मैच्योरिटी अमाउंट इज, अब यहाँ पे फाइनल जो है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट, सेव इट। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ अमाउंट इज मिसिंग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 लाख रुपए, ऐसे 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद मैं इंटरेस्ट लूँगा 8% ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ईयर्स कितने हैं बेसिकली, ईयर्स मैं रख रहा हूँ 3, कैलकुलेट, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो है 2,48,000 रुपीज़, ओके। तो ये हमको मिल रही है मैच्योरली अमाउंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट, इतना कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, बस हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक इनर टैक्स को, एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। वेल, ये टेक्निक जो है ना वो आपके बहुत काम के आएगी जब आप किसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करोगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, जब भी आप फ्रेमवर्क के ऊपर काम करोगे ये सारी टेक्निक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया होगा, मतलब आप अभी इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर ऐड कर दो, अपना पोर्टफोलियो इतना बेहतर कर लो ना कि कोई और आपको बीट ना कर पाए, आप इंटरव्यू से, इंटरव्यूअर को अच्छी तरीके से अपना इंप्रेशन दे सको, ठीक है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।